थोड़ा पहले सॉल्व किया था ना। अच्छा हाँ, इसमें क्या क्या गिवन है बेटा? रेस करना, मॉलिकुलर मास 28, उसमें ग्राम लिख दो क्योंकि मोलर मास होता है ना। हाँ ठीक है। और एन जो है तुमने अभी क्या किया? माइनस टू था, केजी था, अच्छा उसको ग्राम में चेंज करके कितना मोल फाइंड कर लिया। अभी फाइंड क्या करना? हीट कितना? What amount of heat must be supplied? Heat कितना ज़्यादा इसको देना पड़ेगा ताकि इसका temperature इतना raise हो? 45 raise हो। अच्छा क्या formula apply करें? डेल्टा क्यू अपॉन टी इनटू 1 अपॉन एन, एन हमारे ये नंबर ऑफ मोल्स है। चेक करके लिखो क्या चीज़ बता रहे, क्या formula लिख रहे। थोड़ा उधर तो राइट हैंड साइड में ले लीजिएगा इस टॉपिक को है तो। हाँ सी पी इक्वल्स टू 7/2 R। सी पी क्या होता है? कॉन्स्टेंट प्रेशर। अच्छा फार्मूल कैसे है? इसमें दिया था रियल गैस, सॉरी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर दिया हुआ था 8.3 जूल पर मोल पर दिया। और सीपी भी वही होता है, मोलर हीट कैपेसिटी। अच्छा ठीक है ठीक है, 7.2 2 R। अच्छा यहाँ पे पार मोल में होगा तो वहाँ पे जैसे होता है एम एस डेल्टा टी होता था, तो यहाँ पे एन के एन मोल में है तो एन हो जाएंगे डेल्टा टी और सी पी हो गया। ठीक है गुड। अच्छा ओके तो ठीक है बेटा, जब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ वहाँ पे तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, तुम तो यहाँ पे केल्विन में पुट कर दो। सेल्सियस को चेंज करना है नहीं करना है, फिर चेंज करोगे फिर आंसर नहीं आता क्या है इसमें। तो जब तुमने क्वेश्चन में गिवेन लिखा था उस गिवेन में ही तुम्हारा गलती होगी, गिवेन में डेल्टा टी दिया है, डेल्टा टी है। देखो पता है तुम्हें ठीक है से नहीं? देखो बताओ जैसे ये वाला क्या डेल्टा टी कितना राइज अप करना है, ये जो सेल्सियस जो भी डिग्री सेल्सियस में दिया ठीक है। एक्चुअली आई मान लो कि हमें बोले डेल्टा टी टेम्परेचर 200 डिग्री से मान लो हम लोग 200 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहे हैं, 100 से 200 में इंक्रीज कर रहे हैं डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज कितना होगा? दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसको केल्विन में सेल्सियस को जब केल्विन में चेंज करते हैं तो ये कितना 273 सेट करते हैं, तो ये वाला कितना होगा 373, ये कितना होगा 473, फिर डेल्टा टी करोगे तो कितना होगा 473 माइनस 373 इक्वल्स टू कितना होगा 100 केल्विन ही होगा। तो चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में बराबर होगा, ये डेल्टा टी कॉस्ट कितना केल्विन दैट मीन कितना डिग्री केल्विन।
पर्सनल ना है बिकॉज चेंज इन टेम्परेचर दोनों में 273 ऐड कर दो आठ चार, तो इसी के लिए हम बोलते हैं बोर्ड में क्या करो क्वेश्चन, तो आंसर मैच हो गया। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये तो एग्जाम के टाइम में इसी में प्रॉब्लम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर टू हो गया। क्यों अच्छा वो तो ठीक कर देंगे, चलो क्वेश्चन नंबर फोर है क्या? अच्छा थर्ड वाला एक्सप्लेन, फोर्थ वाला करो, नहीं मेरी कल पार्ट है। अच्छा ठीक है ठीक है, क्या दिया इसमें? सर इसमें दिया कि सिलेंडर है एक मॉडल पिस्टन, उसमें थ्री मोड्स ऑफ हाइड्रोजन है सैंपल टेम्परेचर और प्रेशर पे। उसमें लिखा है कि द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर आर मेड ऑफ हीट इंसुलेटर एंड द पिस्टन इज इंसुलेटेड बाय हैविंग अ पैड ऑफ सैंपल, बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज इफ द गैस इज कंप्रेस्ड टू हैव इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो तुमने लिख दिया एडियाबेटिक प्रोसेस, कहाँ दिया क्वेश्चन में एडियाबेटिक प्रोसेस? जैसे तुमने लिख दिया कि आंसर में एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो कैसे पता चला कि एडियाबेटिक प्रोसेस? पिस्टन भी इंसुलेटेड और अच्छा अच्छा तो नहीं हीट लॉस ना होगा ना तो गेन होगा, दैट इज एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट, दैट इज द एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, तो लिख दीजिएगा ना जैकेट में एज इंसुलेटेड नो हीट लॉस, ठीक है ना, नो एनर्जी लॉस और हीट लॉस। चलो क्या हुआ था, इस एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पी वन वी वन गामा इक्वल टू वी टू गामा हो तो ठीक है, तो पी वन अपन पी टू इक्वल टू वी टू अपन वी वन गामा हो गया, ठीक है, तो वी वन इक्वल्स टू वी टू अपन टू, हाफ हो रहा है, कौन हाफ हो रहा है, हाँ नहीं समझ में आ रहा, तो क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़े हो, क्या हाफ हो रहा है, फाइनल वाला इनिशियल का हाफ हो रहा है, इनिशियल वाला फाइनल का हाफ हो रहा है, फाइनल वाला इनिशियल का हाफ हो रहा है, हैं? तो वी टू इक्वल्स टू वी वन अपॉन टू होगा ना, फाइनल वाला होता है तो उस जगह पे फिर क्या करोगे, वी टू के जगह पे वी वन अपॉन टू करोगे, ऐसी है क्या? हाँ तो दिखाइए कॉपी में क्या क्या चीज़ है, बुक बुक क्या था, क्या था इसमें, इफ द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर और द पिस्टन इंसुलेटेड बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर इंक्रीजेस, इफ द गैस इज कंप्रेस्ड हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, गैस इज कंप्रेस्ड, गैस को कंप्रेस कर दिया, तो तुमने पी वन घामा पी टू वी टू ये घामा लिया है ना, तो इनिशियली प्रेशर कितने थे, व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज, ओके इफ द गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, गैस को कंप्रेस कर दिया, तो जो फाइनल वाला जो है इनिशियल वाला का आधा हो जाएंगे, तो लिखिए फाइनल वाला वी टू, थोड़ा उस तरफ लिखिए ना, थोड़ा राइट की तरफ लिखिए, देखो ना है अच्छा तुम लोग को जाना कौन ज्यादा दिक्कत,
ऊपर चला जाएगा ना तो हाफ हो जाएगा, गामा हो गया 1.4। तो पी टू अपन पी वन इक्वल्स टू लिख लीजिए, पी टू अपन पी वन इक्वल टू टू दी पावर 1/4। ठीक है ना। तो क्या बोला था कि प्रेशर कितना, क्या पूछा है, प्रेशर कितना इंक्रीज होगा। तो पी टू पी वन का कितना टाइम्स होगा देख लेंगे, है ना। तो टू टू दी पावर 1/4 कैसे डिवाइड करोगे, कैसे पावर निकालोगे इसके, टू के पावर 1/4। तो लिखिए ना, जैसे 2 इधर लिखिए, साइड में लिखिए, टू टू दी पावर 1/4 1.4 अप्रोक्सीमेटली, इक्वल साइन डाल दो ना, जो देते हैं ना अप्रोक्सीमेट का साइन, इक्वलेंट का साइन नहीं देते, उसमें क्या है, हाँ 2^1.5 है ना। तो कितना होगा, 2^1 इंटू 2^2 है ना। तो लिखिए ना, 2^1 इंटू 2^2 यही तो होगा। तो यार टू हो गया इंटू 2^2 मान लो 2 का रूट 1.414। उसका रूट ही तो 1.414 होता है ना, 2 का रूट जो होता है, लिखो 1.414 है ना। फिर 2 से इंटू हो जाएंगे तो 28 हो गया, है ना, इतना टाइम्स हो गया। तो पी टू इक्वल्स टू इतना टाइम्स ऑफ पी वन, अप्रोक्सीमेट 2.82 है ना, तो 83 कर दे, है ना। अच्छा बताइए, ये मान लो कि कभी लॉक टेबल दे दिया, तो वहाँ भी थोड़ा लॉक टेबल दे दिया, तो मतलब लॉक टेबल नहीं दिया तब तो ऐसे हो गया, तो मान ये आ रहा है तो अप्रोक्सीमेट ले लिया तो ये तो कम हो जाएगा, 2^1.4 ये अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएंगे, 2.81 नहीं तो 8 लिख देंगे, है ना। तो 2.8 लिख दोगे, आंसर में कितना दिया, पेंसिल से चेक कर लो। टू पॉइंट सिक्स फोर मतलब काफी डिफरेंस हो रहा, अप्रोक्सीमेटली बहुत डिफरेंस हो रहा। तो 2.64 कैसे आता, जैसे 2^1/4 इसको एक्स मान लिया तो log x इक्वल्स टू क्या हुआ, 1.4 log 2, है ना। अच्छा तो 1.4 log 2 का वैल्यू कितना होते हैं, यस हाँ, log 2 का वैल्यू 0.3010, चेक करो log 2 को, चेक करो लेके आए, हाँ log 2 फिर ये आ जाएगा, ठीक है, log x का वैल्यू आ जाएगी, जितना भी होगा उसे इंटू कर लो, फिर x इक्वल टू क्या होगा, एंटी log निकाल लो, तो उसका अप्रोक्सीमेट आएगा। तो इसके अप्रोक्सीमेट कितना होता है, 2.6 दे, हाँ तो वही 7 कर लोगे, हाँ। तो अभी अप्रोक्सीमेट में log टेबल नहीं मिला कि किसी ने पेंस चला दिया उसके ऊपर, तो इतना हो गया। ठीक है, तुम्हारा जो पहले मिस्टेक हो रहा था कि तुम्हें मालूम नहीं था पी वन बाई पी टू कर रहे किस तरीके से, तो इस जगह पे जाके मिस्टेक होती है, फिर सोचते हाफ हो गया क्या करेंगे, उल्टा कर दो, इसके अप्रोक्सीमेट आंसर छोड़ के नहीं आते। तो लॉग भी करना है तो ये चीज़ है, 1.4 log 2 log 2 0.3010 उसके बाद इंटू कर लिया, हाँ इंटू करने के बाद फिर एंटी लॉग मालूम है ना, इसको होमवर्क पे दे देते, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से बेटे, अच्छा करिए, नया बुक खरीद के लेके आ गए, पापा ने ऐसे पता है मेरा बार बार मोबाइल लिखता है, अच्छा मोबाइल बंद कर सही, बहुत बढ़िया रहा ये तो, अभी तुम्हें पक्का टेस्ट लेना शुरू कर दें, तो उसको पिन ऑफ कर देंगे बुक ले लो, चलो अच्छा ट्राइस में कर लेते हैं, लिखना तो पड़ेगा, 17 वाला नहीं दिया, 17 वाला देगा,
नौ दिन है, ग्यारह तक है। जो सर्कल चल रहा था सर्कल के बाद ही बात शुरू करेंगे। सर्कल हो गया तो यहाँ से नोट कर लो, कॉपी ले, कॉपी उधर ही रखा है। और बहुत देर कर दिया इसने। हाँ बेटा, क्वेश्चन में क्या दिया? ये क्वेश्चन नंबर 9 है ना? क्या दिया बेटा इसमें? सर इसमें दिया है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, उसमें ओरिजिनल स्टेट डी डी है और इंटरमीडिएट जो डी है, डी है प्रोसेस है। इसमें लिखा है कि इट्स वॉल्यूम इज देन रिड्यूस्ड टू द ओरिजिनल वॉल्यूम फ्रॉम ई टू एफ बाय एन आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट। अच्छा ठीक है। कैलकुलेट द टोटल वाटर लेवल गैप फ्रॉम डी टू ई। तो ये बताओ x एक्सिस में क्या है, y एक्सिस में वो तो लिखिए, नहीं तो कहाँ से सॉल्व होगा? वॉल्यूम किस में, लीटर में किस में? तो लिख दीजिए, नहीं तो फाइंड नहीं हो जाएगा। और उस एक्सिस में क्या दीजिए? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा ठीक है, तो उसमें क्या फाइंड करना बेटा? वर्क डन, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन प्रेशर इन वॉल्यूम है ना, तो एरिया इनक्लोज बाय द ग्राफ। एरिया किसका? ट्रायंगल का ले लो, टी एफ पढ़ दो, ट्रापेजियम से रेक्टेंगल। तो ट्रैपीजियम से रेक्टेंगल माइनस करे और मतलब हाफ बेस इनटू हाइट करे, तो बराबर है ना, सीधे कर दो बस। अरे पूरा करना चाहते हो? करिए। D इंटू डी कहाँ से? डी एफ इंटू ए भी ना, डी एफ इंटू ए भी। और 5-2 हो गया तो ठीक ही तो है, 3 हो गया। और इसका कितना होगा? 300, 6-300 हो जाएंगे तो 450 हो जाएगा ना, 450 जूल। आंसर कितना दे चेक, और 450 जूल हो गया। ठीक है ना, सेरे रीजन को फाइंड करना, ठीक है ना, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो ये जो प्रेशर इनटू वॉल्यूम किया क्या है, वर्क डन है। कैन यू प्रूव इट? प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या लिखिए ना, लिखिए प्रेशर इनटू वॉल्यूम, लिखिए प्रेशर इनटू वॉल्यूम है ना। तो वर्क डन को हटा दीजिए अभी, हाँ इक्वल को भी हटा दीजिए। प्रेशर के नीचे लिखिए फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम में लिखिए एरिया इंटू हाइट। ए काट दीजिए, इक्वल का एक साइन भी लगा दीजिए, राइट लेफ्ट में, लेफ्ट में यस। तो फोर्स इंटू हाइट, हाइट है ना, एफ इंटू एच, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है? वर्क डन होता है बस, एफ इंटू एच दैट विल बी वर्क डन। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आज ट्यूशन में आपने किया वो सारे कन्फर्म हो गया ना, एग्जाम में आएगा तो हो जाएगा। Okay. और कोई क्वेश्चन क्या था? तो जो क्वेश्चन करते हो वो एक बार बोर्ड में आगे करो। तो और जैसे वर्क डन क्लियर हो गया वहाँ पे हो गया, फिर जैसे टेम्परेचर वाला केल्विन वाला था उसमें मिस्टेक हो रहा था, फिर और एक जगह पे कहाँ पे था जो P1 P2 वाला, उसमें फिर लॉग कैसे निकलते हैं एंटी लॉग। ठीक है, हो गया। और कोई डाउट है?